हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बेस्ट एंड गाइड। दोस्तों, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप उसकी बिल पेमेंट करते हैं, या आप अपने क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं, या दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड से अगर बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही मुश्किल होती होगी। हालांकि अगर आप क्रेडिट कार्ड की बिल डायरेक्टली पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है क्रेड एप्लीकेशंस के बारे में। अगर आप क्रेड एप्लीकेशंस के थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेनिफिट्स आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाता है। क्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्रेड ऐप से मैनेज कर सकते हो। क्रेड ऐप के माध्यम से आप इंस्टेंट अपने क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट कर सकते हो और क्रेड ऐप आपको बिल पेमेंट के ऊपर यहाँ पे कैशबैक प्रोवाइड करता है। साथ में दोस्तों, क्रेड ऐप से आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो पैसे है आप उसे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। क्रेड ऐप से आप बिल पेमेंट भी कर सकते हो और इवन दोस्तों क्रेड ऐप में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर है तो आपको क्रेड ऐप जरूर यूज करना चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप क्रेड में अपना अकाउंट बना सकते हैं और क्रेड को आप कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो में क्रेड अकाउंट बनाने से लेके कंप्लीट यूज तक का जो प्रोसेस है आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हम देख लेते हैं किस प्रकार से आप क्रेड ऐप है उसे दोस्तों यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्रेड ऐप में अकाउंट बनाना सीखते हैं, उसके बाद जो कंप्लीट यूजेज का प्रोसेस है वो दोस्तों हम सीखेंगे। क्रेड ऐप का जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से क्लिक करके क्रेड ऐप को इंस्टॉल करेंगे। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 के बीच में कैशबैक मिलेगा और डायरेक्टली आप उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्रेड एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लिया है, जस्ट इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों एक एक प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो कुछ यहाँ पे आपसे परमिशंस मांगा जा रहा है जिसे यहाँ से आप अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्रेड के बारे में बताया जा रहा है, तो आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे बिकम अ मेंबर पे क्लिक करना है। बिकम अ मेंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। ध्यान रहे कि आप अपना वो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे जो आपके क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक हो। तो यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड वाला मोबाइल नंबर फिल करेंगे और जस्ट आप इसी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और आप एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर कंप्लीट इंटर करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे एक 4 डिजिट का OTP सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे आप अपना OTP कंप्लीट फिल करेंगे और उसके बाद आप नीचे कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो अपने मोबाइल नंबर को OTP के साथ वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, तो अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे और जस्ट आप यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट नेम इंटर करने के बाद यहाँ पे अब आपसे आपका लास्ट नेम पूछा जा रहा है, तो आप लास्ट नेम फिल करेंगे और आप यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। अपनी नेम कंप्लीट इंटर करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका एक क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है क्रेड के द्वारा। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, उस ईमेल आईडी पे आपका क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पे भेजा जाएगा और ध्यान रहे कि आपका क्रेडिट कार्ड जिस ईमेल से लिंक हो वही क्रेडिट कार्ड आप अगर फिल करेंगे तो यहाँ पे इसको डिटेल्स फाइंड करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और आप नीचे एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर आपको देखने को मिलता है और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्रेडिट स्कोर कम्प्लीटली फैच हो चुका है और यहाँ पे जो हमारा कार्ड है वो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक HDFC बैंक का कार्ड है जो इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है। HDFC रुपए IOCL कार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कार्ड को आपको अपने क्रेड के साथ लिंक करना होगा। आपका कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, बाकी जो आपका कार्ड नंबर होगा वो यहाँ से आप इंटर करेंगे और जस्ट आप यहाँ से इसे कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कंप्लीट कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया है, जस्ट हम इसे यहाँ से कंफर्म करेंगे। आप जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपके कार्ड में यहाँ पे 1 रुपये क्रेड डाल के और उसे एक बार वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कार्ड सक्सेसफुली क्रेड के अंदर ऐड हो चुका है। तो आपकी कार्ड को कंप्लीट ऐड करने के बाद क्रेड यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी की परमिशंस मांगती है। आपका जो भी ईमेल आईडी
आप अपने क्रेडिट कार्ड को दिए हैं, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको क्रेडिट के साथ साइन इन करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल और फोन में अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे और जस्ट आप नीचे नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। अपने ईमेल आईडी को साइन इन करने के बाद यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी को क्रेड को एक्सेस का परमिशन देंगे, जिसके लिए यहाँ पे आप इसे अलाउ करेंगे। यहाँ पे अलाउ होने के बाद आपका जो क्रेड अकाउंट है दोस्तों वो कंप्लीट एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो क्रेड ऐप में हमारा कंप्लीट अकाउंट बन चुका है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप अपना पहला बिल पेमेंट करेंगे तो आपको 1,000 रुपये तक का कैशबैक दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप क्रेड में अकाउंट बनाएंगे तो ज़रूर से कुछ ना कुछ अपने कार्ड में पेमेंट कर देंगे ताकि आपको ये जो कैशबैक है दोस्तों वो मिल जाए। तो यहाँ पर हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने कार्ड में कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे अमाउंट आप लिखेंगे। लाइक यहाँ पे मैं 100 रुपये आपको ऐड करके दिखाता हूँ। आप प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अगर आप चाहें तो यूपीआई बना सकते हैं, क्रेडिट का सेपरेट यूपीआई, या आप फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से यहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ोनपे के माध्यम से आपको एक पेमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं पे पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर पहला जो ट्रांजेक्शन वो कर दिया है। अभी आप जैसे ही अपना पहला ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करेंगे अब आपको यहाँ पे क्लेम कैशबैक का ऑप्शन आएगा। आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो कैशबैक मिलेगा उसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लेम कर देंगे। यहाँ पे हम प्ले नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। आप इस पेज को नीचे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे जो आपको कैशबैक है दोस्तों वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ का हमें रिवार्ड क्रेडिट के द्वारा पहला यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर मिल चुका है। आप जैसे जैसे अपने क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे आपको रिवार्ड्स दिया जाएगा। यहाँ पे अभी हमने क्रेडिट में अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है अपना क्रेडिट अकाउंट को कम्प्लीट मैनेज करेंगे। तो जब आपका क्रेडिट में अकाउंट बन जाता है तो आपका होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखता है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको कैशबैक का बैलेंस दिखाया जाएगा, साथ में यहाँ पे क्रेडिट आपको क्वाइंस भी देता है। तो आपको 750 रुपीज़ का क्वाइंस भी दिया गया है और क्रेड आपको टाइम टू टाइम वाउचर भी दिया जाता है तो वहां पे आपको वाउचर भी दिखाई देगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको कुछ ऐसे शॉपिंग साइट्स हैं जहां पे आपको डिस्काउंट वगैरह बताए जाएंगे। यहां पे आप अपने क्रेड क्वाइन से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे आप खरीद सकते हैं और ये क्रेड क्वाइन जब जब आप बिल पेमेंट करेंगे उस टाइम दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे यहां पे आपको डिस्काउंटेड प्राइजेस आपको क्रेड ऐप के अंदर आता है। सेकेंड नंबर वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आपका कंप्लीट कार्ड दिखेगा, आपके कार्ड पे कुल कितने ऑफर्स है वो दिखेगा, आप अपने कार्ड आपको यहाँ पे दिखेगा। कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए आप जस्ट पे नाउ पे क्लिक करेंगे, अमाउंट डाल के अपना कार्ड का बिल यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके कार्ड पे भी फिलहाल कितने जगह पे ऑफर चल रहा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप यहीं से सब कुछ आप देख सकते हैं। बगल में आएंगे तो यहाँ पे आपको पे का एक आइकन मिलेगा, पे पे क्लिक करके यहाँ पे आप बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको रेंट का ऑप्शन मिला है, आप रेंट पेमेंट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से और डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। कंप्लीट बिल पेमेंट्स लाइक फास्ट टैग रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दोस्तों आपको एक ही ऐप में देखने को मिलता है और इसके ऊपर भी आपको क्रेडिट कॉइन्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो यहीं में पे में आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट का भी ऑप्शन है, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो भी क्रेड का यहाँ पे रिवार्ड मिलेगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप अपना रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। शॉप का भी ऑप्शन है, क्रेड आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आपको बिल्कुल यहाँ पे सस्ते रेट पे प्रोवाइड करता है जिसके लिए आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और अपने कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे आप मंगा सकते हैं। मोर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिवार्ड्स दिखेगा, कॉइन्स, वाउचर, ब्रांड ऑफर, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहीं से आप जो है अपना क्रेड अकाउंट कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपने क्रेड अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना तो यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, अपना यूपीआई भी सेट कर सकते हैं। क्रेड का एक सेपरेट यूपीआई भी दोस्तों देखने को मिलता है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको क्रेड ऐप में कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे क्रेड से बिल पेमेंट करना है, कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो हमने आपको बता दिया है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपने इस वीडियो में हमने आपको क्रेड अकाउंट बनाने से लेके क्रेड को कैसे यूज करना है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली को ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे ही यूजफुल कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक।